का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम जब किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो किसी भी भाषा को पढ़ते वक्त सबसे पहले हम उसके व्याकरण की चर्चा करते हैं, उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज को बोलना या लिखना सीखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसके व्याकरण को, उसकी ग्रामर को पढ़ेंगे। तो मेरा सबसे पहला जो है टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, हम जब किसी लैंग्वेज को बोलते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को या तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, लिखना सीखने के लिए और बोलना सीखने के लिए। अगर हमें इंग्लिश को बोलना सीखना है तो वो तो हम किसके थ्रू सीखेंगे, वातावरण, वातावरण। और रिटन इंग्लिश के लिए फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। तो मैं आपको कुछ ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से पहले हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि ग्रामर जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है इंग्लिश में। रिटन सीखने के लिए फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हमें किसी भाषा को लिखना सीखना है, उसको कैसे लिखा जाना है, तो उसके लिए हमें औपचारिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है। और स्पोकन जो होता है बोलना किसी भी भाषा को, वो वातावरण या आसपास के परिवेश से सीखा जाता है। तो मेरा ये है कि एक तो फॉर्मल एजुकेशन और यहाँ पे एटमस है फॉर्मल एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना सीखने के लिए। सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं लिपि, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, लिपि। एक स्क्रिप्ट होती है हर लैंग्वेज की और उस स्क्रिप्ट को हम लिपि कहते हैं हिंदी में। स्क्रिप्ट अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला। इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना सीखने के लिए फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता होती है और फॉर्मल एजुकेशन के लिए किसी भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है और स्क्रिप्ट के अंदर होती है वर्णमाला जिसे कहते हैं अल्फाबेट्स। और अल्फाबेट्स के अंदर हम पढ़ते हैं लेटर्स जो होते हैं 26। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर्स मिलकर अगर हम बात करें लेटर प्लस लेटर वर्ड, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश को पूरा बिगिनिंग से पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ने हैं, किस तरह से हम टेंस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव ये सारे टॉपिक ग्रामर के क्लियर करते हैं, उससे पहले हमें इंग्लिश का पूरा एक तरीके से बिगिनिंग से आप हमें इंग्लिश पढ़ेंगे। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना सीखने के लिए हमें एक फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, औपचारिक शिक्षा की जरूरत पड़ती है और किसी भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है लिपि। और इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो है रोमन। जैसे हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो होती है देवनागरी लिपि, ठीक उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो है रोमन। स्क्रिप्ट के अंदर अल्फाबेट्स आता है वर्णमाला, 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में और अक्षर और अक्षर, लेटर और लेटर मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड। अक्षरों का सार्थक समूह मिलकर एक शब्द बनाता है, ठीक उसी प्रकार मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। ये तो हमारा था कि किस तरह हम इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट, अल्फाबेट्स, लेटर्स, लेटर लेटर मिलकर वर्ड एंड वर्ड वर्ड मिलकर सेंटेंसेस। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस बेसिकली होता क्या है, उसके कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है।
बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में वाक्य के आधारभूत तत्व कौन कौन से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, कार्य को करने वाला, डूअर, ये क्या हो सकता है सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होगा, जो किसी भी वाक्य में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, और वो कर्ता क्या हो सकता है, या तो वह नाउन कहलाएगा या प्रोनाउन कहलाएगा, संज्ञा या सर्वनाम। और वर्ब का मतलब है एक्शन से, एक्शन कोई भी कार्य का करना या होना जहां पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं और वो वर्ब कहलाती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी किसी भी सेंटेंस का या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं आई कट द वेजिटेबल्स विद नाइफ, मैं चाकू से सब्जियां काटता हूं, तो आई सब्जेक्ट है, तो आई क्या है, प्रोनाउन है, कट वर्ब है, दी वेजिटेबल्स तो वेजिटेबल्स की है तो वो एक तरीके से नाउन भी है, आई किल्ड हिम प्रोनाउन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर या सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये नाउन और प्रोनाउन होते हैं, और वर्ब एक्शन जो किसी काम का करना है उसमें पाया जाता है। तो बेसिकली सेंटेंस के तीन एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन को, देखिए यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा की इकाई है। अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य की सबसे बड़ी इकाई है, और वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है, क्लॉज। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सेंटेंस के बाद में आता है वर्ड और वर्ड के बाद में आता है लेटर, यानी कि लेटर लेटर मिलकर वर्ड बनाते हैं, वर्ड वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, बट सेंटेंस से छोटी इकाई होती है क्लॉज। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य और क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज किसी सेंटेंस में ही पाया जाता है, दो क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के अंदर क्लॉज आता है, ठीक है ना। और क्लॉज के बाद इससे छोटी इकाई है फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, इन ऑर्डर टू, एज अ रिजल्ट, जो भी इंग्लिश के सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा अंश होते हैं वाक्य के उनको कहा जाता है फ्रेज यानी वाक्यांश। तो आप ध्यान रखिएगा सेंटेंस क्लॉज फ्रेज, और फ्रेज की छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ड, और वर्ड के बाद लेटर, लेटर मीन्स वर्ड। तो इस बात को आप ध्यान देंगे अच्छे से, सेंटेंस क्लॉज फ्रेज वर्ड एंड लेटर। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, सेंटेंस, और सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लेटर, ओके। अब अगर हम डिस्कशन करें वर्ड के ऊपर, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है अंग्रेजी भाषा उसको या तो लिखा जाता है या बोला जाता है। किसी भाषा को लिखना सीखने के लिए हमें एक फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, और किसी भाषा को बोलना सीखने के लिए एक एटमोस्फेयर की आवश्यकता होती है, वातावरण की। जैसे बच्चा जो होता है वो बोलना सीखता है अपने आसपास के वातावरण से,
दूसरों को बोलता हुआ देखता है तो खुद भी वैसा ही बोलने का इमिटेशन करने का प्रयास करता है। लेकिन लिखना सीखने के लिए फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। फॉर्मल एजुकेशन किसी भी भाषा की स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है। स्क्रिप्ट में अल्फाबेट्स आते हैं। अल्फाबेट्स इंग्लिश में 26 लेटर्स है और लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेंटेंस के बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, और अब हम चर्चा कर रहे हैं वर्ड की एक सेंटेंस में क्या पोजीशन होती है। ध्यान से सुनिएगा, वर्ड का किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में उसकी क्या प्रकृति है, वो किस प्रकार का शब्द है, उसकी स्थिति क्या है और उसका कार्य क्या है। किसी भी वर्ड का इंग्लिश के सेंटेंस में क्या उसका नेचर है, वो किस प्रकार का शब्द है, उसकी स्थिति क्या है किसी इंग्लिश के सेंटेंस में और उसका फंक्शन कार्य क्या है। इन तीनों चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रामर, व्याकरण क्या पढ़ते हैं, ग्रामर। और एक अच्छी व्याकरण जो होती है खासतौर पे, आप ध्यान दीजिएगा यहां पे, ग्रामर हम पढ़ते हैं बुक, व्याकरण को पढ़ते हैं और वो ग्रामर हमें कौन पढ़ाता है, टीचर, कोई भी ट्यूटर होता है वो। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि वर्ड का नेचर क्या है, उसकी पोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो ग्रामर बुक में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों की श्रेणियां, शब्द भेद और इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिस्टम होता है वो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर ही चलता है। जैसे कि आप एक बात ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश का कोई सेंटेंस है उसमें अलग अलग प्रकार के वर्ड्स होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है। तो हमें ये पता करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के उस सेंटेंस में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनकी क्या श्रेणी है, उनका क्या, वो किस तरह का वर्ड है, वो वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है। यानी शब्दों की श्रेणियां जो होती है किसी भी भाषा में अलग अलग प्रकार की होती है। हम इंग्लिश की डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में 8 होते हैं। कितने, 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन, एट इंटरजेक्शन। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को आपको माइंड में रखना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले नाउन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संज्ञा, प्रोनाउन जिसे कहा जाता है सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण,
एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, प्रीपोजिशन का मतलब होता है कारक, कंजंक्शन का मतलब होता है योजक शब्द और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयाधिबोधक शब्द। एक बार मैं आपके सामने इन 8 टॉपिक्स की संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, ब्रीफली चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं टॉपिक्स को डिटेल वाइज पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहली बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों की श्रेणियां, शब्द भेद। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले नाम, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया, ऐसा कि टेल यू, जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ कि ये पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इनको हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं इसके डिस्कशन करना चाहूंगा आपके सामने और फिर उसके बाद मैं इनको डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले एज यू ऑल नो, नाउन, संज्ञा, जितनी भी चीजें हमारे आसपास है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं जिनको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नाउन में आती है। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जो वर्ड संज्ञा की जगह पर यूज में लिए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वर्ब जैसे आप जानते हैं आई, माय, मी, ही, हिज, हिम, ये सारे प्रोनाउन्स हैं। एंड अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम है राम, श्याम, ये सारे नाउन्स हैं। इसके अलावा किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, वो सारे नाउन हैं। वर्ब क्रिया, बहुत सारी वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी, खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये सारी वर्ब जिसको कोई ना कोई कार्य होता है वर्ब्स है। अब यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने इन दो, क्वालिफायर्स, विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब के पीछे वर्ब आया तो ये वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं यहां पे एडवर्ब के बारे में, ठीक है, ही ड्राइव्स को, तो यहां पे ड्राइव वर्ब जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो धीरे गाड़ी चलाता है, फिर यहां पे एडवर्ब है। ठीक है ना, आप इस बात को ध्यान रखें, आई नेवर गो टू स्कूल या आई नेवर गो टू सिनेमा हॉल, तो नेवर कभी नहीं, जाता तो है लेकिन कब, कभी नहीं, तो ये नेवर एडवर्ब है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में कुछ अतिरिक्त बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब, और नाउन और प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। यानी कि हम अगर हिंदी में परिभाषा कई बार पढ़ते हैं हिंदी सब्जेक्ट में, ये संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण, तो ये एडवर्ब क्रिया विशेषण। इस बात को समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन, नाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कारक, जैसे कि आपने संस्कृत में या हिंदी में कारक सारणी पढ़ी होगी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपदा को, के लिए, अपादान से अलग होकर जो भी हो, तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में दो शब्दों के बीच में संबंध बताने वाले शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। The book is on the table. किताब टेबल पर है। अब यहां पर इस बात को ध्यान दें, ये किताब जो टेबल पर पड़ी है इसका संबंध टेबल से बताने वाला शब्द कौन सा है, यानी बुक का संबंध इस टेबल से बताने वाला शब्द कौन सा है, ऑन
सो हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑन क्या है, एक प्री पोजिशन है। आई बात समझना आपको, ऑन प्री पोजिशन जैसा कहते हैं कारक। इसके बाद में चर्चा करेंगे कंजक्शन। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में जिन्हें हम आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। कंजक्शन को इंग्लिश में लिंकिंग डिवाइसेस या लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। लिंक का मतलब होता है जोड़ना, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला शब्द कहलाता है कंजक्शन। क्या कहलाता है? आई ट्राइड हार्ड बट फेल। कंजक्शन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। आई वॉज टेकिंग फूड एंड माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू स्कूल। एंड जो वर्ड आया है सेंटेंस को कंजक्शन है, यानी दो वाक्यों को आपस में कनेक्ट करने वाला वर्ड जो कहलाता है कंजक्शन कहलाता है। योजक शब्द, योजक जोड़ना। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय आदि बोधक शब्द। ध्यान से समझिएगा, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय आदि बोधक शब्द। अब इसमें विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, आदि विस्मय के अलावा भी और बहुत सारी फीलिंग्स होती है इंसान की। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके थ्रू हमारी सडन फीलिंग्स प्रकट होती है, हमारी जो भावनाएं प्रकट होती है। यानी ये वो शब्द होते हैं इंटरजेक्शंस जो किसी वाक्य में किसी भाव को प्रकट करने का कार्य करते हैं। इंटरजेक्शंस एक सडन फीलिंग्स को प्रकट करते हैं, हैप्पीनेस खुशी, ग्रीव या सैडनेस दुख, सरप्राइज आश्चर्य, वंडर आश्चर्य, फियर भय। ये सारे जो भाव होते हैं खुशी का, दुख का, आश्चर्य का, डर का, सरप्राइज का, ये सारे भाव प्रकट करने वाले शब्द कौन से होते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय आदि बोधक शब्द। मैं फिर चर्चा कर रहा हूं, विस्मय का मतलब आश्चर्य से है, लेकिन केवल विस्मय ही नहीं, इसके अंदर और बहुत सारी सडन फीलिंग्स होती है। सडन का मतलब है अचानक प्रकट होने वाले भाव, सडन फीलिंग्स, इंटरजेक्शन। तो आज हमने आठ टॉपिक्स को पूरा संक्षिप्त में चर्चा की इनके ऊपर। अब इनको हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉपिक्स के अंदर जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वर्ब। वर्ब वर्ब इसलिए क्योंकि हमें सबसे पहले वर्ब के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इट इज एसेंशियल बिकॉज विदाउट वर्ब वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। हम किसी सेंटेंस को नहीं बना सकते बिना वर्ब के। सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें जानकारी है, लेकिन वर्ब हमें पता होना जरूरी है कि इंग्लिश में वर्ब्स को किन किन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ श्रेणियां है वर्ब्स की, ध्यान से सुनिएगा। टेंस के आधार पर वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। टेंस के आधार पर फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब्स क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्ब्स के बारे में और बताना चाहूंगा। कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स,
सकते हैं। जैसा कि आपके सामने है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होता है कि वर्ब्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। वो सही है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वो सब बात की बात है, मगर अभी मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब्स को हम टेंस के आधार पर। वर्ब्स कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अगर आप इस टॉपिक को ढंग से, बहुत ही आराम से और पूरा ध्यान रखकर, अटेंशन को पे करके पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो वर्ब्स की मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ, इसी के साथ आपका ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे कितनी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, कौन कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, ये सब इसी में से निकल कर आ जाएगी। तो पहले मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ वर्ब्स की, कि कौन कौन सी वर्ब्स की श्रेणियां होती है। वर्ब्स की श्रेणी हमारे सामने, मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब और मॉडल वर्ब्स। ये हमारे सामने फाइव कैटेगरीज है वर्ब्स की। कितनी कैटेगरीज है? फाइव। मेन वर्ब्स, बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब और मॉडल वर्ब्स। इनके बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा है मेन वर्ब्स। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है, किसी भी इंग्लिश के वाक्य में आती है। और बेसिकली मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है इंग्लिश के सेंटेंस में, और उसके बिना टेंस की रचना नहीं हो सकती, टेंस नहीं बन सकता। मेन वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करने वाली वर्ब है वो होती है मेन वर्ब, राइट? कितनी कैटेगरी में होती है मेन वर्ब? हम इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो मेन वर्ब्स है उनको इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 SRES, V2 V3 V4 एंड V5। और मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स जो टेंस के आधार पर पढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि वर्ब्स को किस किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो अगर आपको समझ में आ गया तो उसमें आपका दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब्स हैं और कौन कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आपको मैंने ये बताया कि वर्ब्स को पांच तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, मेन वर्ब्स, बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। ये सब मिलकर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स बनाती है। सबसे पहले मेन वर्ब्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब कहा जाता है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है हमारे सामने वो मेन वर्ब का ही पार्ट है। सेकंड, इसी के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसआरईएस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, प्लुरल, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एसआरईएस पीछे सफिक्स रखते हैं, प्रत्यय रखते हैं। V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की वो भी हमारे सामने। फोर्थ फॉर्म जो वर्ब की होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म, जिसे हम पार्टिसिपल्स भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और गैरेंट इसमें आती है। और V5 का मतलब होता है 2+V1। एक बात को ध्यान से समझिएगा, जब हम वर्ब्स की चर्चा करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ये डिस्कशन करते हैं कि ईट मतलब खाना, स्लीप मतलब सोना,
गो मतलब जाना, ऐसा नहीं होता है। जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेगा तब उसके पीछे ना लगेगा हिंदी में, ध्यान से सुनिएगा। स्लीपिंग मीन सोना, टू स्लीप का मतलब सोना, लेकिन गो का मतलब कभी जाना नहीं हो सकता, गो मीन्स होता है जाओ, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, अगर किसी वर्ब के पीछे आईएनजी लगा है या किसी वर्ब से पहले टू लगा है तो इसका मतलब होगा सोना, और ऑनली लिखा है स्लीप तो इसका मतलब सोना नहीं होता है, इसका मतलब होता है सो जाइए। एक इंपरेटिव वर्ड के रूप में यूज में लिया जाता है, तो इस बात को ध्यान से समझें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब से पहले टू, आईएनजी वाली फॉर्म को कहा जाता है फोर्थ फॉर्म, और टू प्लस वी1 को कहा जाता है वी5 फिफ्थ फॉर्म। बेसिकली तीन फॉर्म सी होती है वी1 वी2 वी3, लेकिन इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे तो ज्यादा आपके लिए सुविधा रहेगी। स्लीपिंग और टू स्लीप का मतलब सोना, एंड स्लीप का मतलब केवल सो। तो ये आज हमने डिस्कशन किया है, और इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे वर्ब्स के बाकी कैटेगरीज पर, जिसमें बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म।